हर आदमी के दिल में बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने 10 साल तक पेट हिला के सुबह 4 बजे उठा उठा के और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों बारे में भड़का के, उससे बड़ा तो कोई जादूगर है ही नहीं देश के अंदर। आदमी के पास एक गाय नहीं है, एक भैंस नहीं, सारा डुप्लीकेट माल बेच के उसके लिए तो पेट्रोल कम मेरे भाई अपने आप हो गया। सारे देश का दुनिया का फर्जीवाड़ा करके हम एक साधु संत की से सम्मान करते थे और उन साधु के भेष में एक बड़ा ठग मिला हो हिंदुस्तान के अंदर। अगर सबसे बड़ा ठग है तो हिंदुस्तान के अंदर अडानी और अंबानी से भी पहला नंबर रामदेव का है। किसानों ने उसका बहिष्कार करना चाहिए। हर आदमी के दिल में बहिष्कार है करने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने 10 साल तक पेट हिला के सुबह 4 बजे उठा उठा के और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों बारे में भड़का के, उससे बड़ा तो कोई जादूगर है ही नहीं देश के अंदर। कभी चाउमीन के बारे में गलत बोलता है, कभी बर्गर के बारे में, सारा प्रोडक्ट अपना बेचने का काम करता है। बताए रामदेव कितनी गाय है उसके पास, कितने एकड़ सरसम है जो 150 रुपए किलो तेल बेच रहा है। अगर फ्रॉड नहीं होता तो असली कमेरो तो ये जो रोड पर सो रहे। इस देश के अंदर पैसे वाला वही है जो फ्रॉड है, या किसानों के भंडारे का तलाशी लेने वाला मीडिया के लोग पूछते हैं, गोदी मीडिया के लोग पूछते हैं। ये तो बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां और अपने आदमी भेज के यहाँ देश विरोधी नारे लगवा के किसानों को बदनाम करने का काम कर रहा है ये आदमी। ये किसान है, इन्होंने अपने बेटों का बलिदान दे के इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की है और 135 करोड़ गरीब लोगों को रात को खाने को जरूर मिलता है, वो एक किसान की देन है। और जो 135 करोड़ जनसंख्या रात को सो रही है, इस किसान के बेटों की देन है। नरेंद्र मोदी का बेटा फौज में नहीं है। बात हो कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है जो यहाँ बॉर्डर पे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नजर में किसान तो तीन है ना, मैं बताया आपको। उनका गरीबी की डेफिनेशन है गौतम अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज और बाबा रामदेव, वो तीन किसान है हिंदुस्तान के अंदर इसकी नजर में, और किसान नहीं है इनकी नजर में। एक नाचने गाने वाली का छद्दा टूट जाए तो गोदी मीडिया दिखा रहा है और ग्यारह ग्यारह किसान मर जाए, इस जल्लादों को समझ में नहीं आता। अब याचना नहीं रण होगा और दिल्ली में दुर्योधन बैठा तू प्रस्त होगा। मेरा नाम राजेश धनखड़ है और जज्जर हमारा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा से। कल हम राजस्थान बैरियल पे थे, वो भी रोड एक साइड का बंद किया है और दो दिन पहले डासा बॉर्डर भी बिल्कुल सील किया है। ये आप जो तीन बिल की बात कर रही है गवर्नमेंट, ये तीनों बिल WTO की ड्राफ्टिंग है और ये 1991 के अंदर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम ये बिल आया था और चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था कि मैं ये बिल साइन करके और अपने देश की आत्मा को नहीं बेचना चाहता। उस प्रधानमंत्री ने देश का सोना गिरवी रख कर पैसा लिया था और ये बिल आज तक लागू किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अब जो ये सारा षड्यंत्र तीनों बिलों के माध्यम से हुआ है, ये अडानी और अंबानी रामदेव के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए WTO की ड्राफ्टिंग है और 15 साल के अंदर डंटल नाम के आदमी ने 1945 से 1960 तक ये ड्राफ्टिंग तैयार हुई थी और पूरी दुनिया के 140 देश इसमें शामिल हैं। ये किसानों के नाम की सरकार ना तो थी और ना ये आई और ना इसने किसान के बारे में एक बात करी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ इस बात का, अगर बीजेपी के बैठे जो ग्लोबल डीलर हैं लीडर होते तो किसानों की सुनते, ये ग्लोबल डीलर हैं। एक बार भी देश का प्राइम मिनिस्टर 6 साल के अंदर 200 बार विदेशी यात्रा पे गया है और आप RTI से हमने जवाब लिया, आप भाई भी ले लेना, एक बार भी किसी किसान के बेटे को अपने टूर के ऊपर नहीं लेके गया। अगर ये प्रधानमंत्री अडानी अंबानी की जगह अगर किसानों की सरकार होती तो पंजाब और हरियाणा के 4-5 किसानों के लेके जाता और जापानी और दूसरे कंट्री के लोगों को बताता कि मेरे देश के अंदर 6.5
कच्चे पुटके जवान हैं जो हर मौसम में काम करते हैं, वो इस बाजरा और गेहूं की देन है। आप ये खाओ, आपकी ताकत बढ़ेगी। इस आदमी ने किसान की बात कभी विदेशों में जाके नहीं की। ये पूरा का पूरा ग्लोबल है, ग्लोबल डीलर है। अगर मेरे देश के एक एक आदमी ने अपने एक एक पैसा टैक्स का दिया था, आज तक जितने भी सरकारें आई, हिंदुस्तान के गरीब को लूटने का काम किया। 40 साल तक इस देश में नारा गूंजा, जय जवान जय किसान। और मेरे देश के लोगों ने मेरे एक बेटा जवान दिया और एक किसान दिया, और 1971 की लड़ाई में 93,000 सैनिक गिरफ्तार कर लिए, ये मेरे देश के जवान ने दिया। और 65 से 1971 तक मेरे देश के किसान नान के भंडार भर दिए। और जितना भी ये बात करता है किसान की और काम करता है अडानी अंबानी और रामदेव का, मोदी जी तो कल आपने सुना होगा गुजरात में उन्होंने बोला है कि जो है ये जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं ये एक साजिश हो रही है उनके खिलाफ। जो आदमी जीवन से ही साजिश करता आया हो, जिसने अपने पैदा होने के बाद साजिश के अलावा कुछ किया ही ना हो, उस आदमी को तो चोर को तो चोर नजर आता है। और ये तीनों बिल क्यों लेके आया है? जब 20 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, तो गुजरात में जाके क्या किसानों की बात करता है? अच्छा ये बताइए कि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे डेयरी वाला है, ठीक है, आप दूध लेके किसी से लेते हो तो गाय और भैंस थोड़ी ना उनकी हो जाती है। 14,000 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ये बताए कि देश के अंदर 65,000 करोड़ लीटर दूध कहाँ से बिक रहा है, जब देश के पास आंकड़ा है। मतलब उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे क्या दिक्कत है? भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में ही तो फर्जीवाड़ा है। दूध में कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्जी बेचा। अगर इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होता तो मेरे साहब आज और पंजाब के किसानों पर 4-4 करोड़ का क्लेम न डालती कंपनियां। एग्रीमेंट के ऊपर पार्लियामेंट क्यों नहीं लिया इसने? एग्रीमेंट के ऊपर राम मंदिर क्यों नहीं दिया, दूसरे मंदिर में रख देता? किसान की बात करने वाला है ये ना? ये किसानों का है ना, ये हिंदुओं का है, ये सिर्फ दो परिवारों का है। ये ग्लोबल लीडर नहीं, ग्लोबल डीलर है। कांग्रेस ने 40 साल तक बेवकूफ बनाया, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इसने गरीबी की डेफिनेशन बदल दी। जी ऐसे गौतम अडानी, RI से रिलायंस इंडस्ट्रीज और बी से बाबा रामदेव, इसने गरीब ये बना दिए तीन आदमी हिंदुस्तान के अंदर। ये वो बात करने वाला जो चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा? क्या ये दिन देखने थे कि मेरी माताओं बहनों और किसानों को रोड पर रोटियां पोनी पड़ेंगी? जो आदमी 35 साल किसान के घर से मांग के खा गया, और जिस आदमी के अंदर जमीर जागता होता, अगर शुरू से यह षड्यंत्र नहीं करता तो मेरे दिल्ली के चारों तरफ किसान को आज रोड पर रोटियां नहीं पोनी पड़ती। नरेंद्र मोदी या कोई भी बीजेपी का आदमी अगर किसानी और किसान के बारे में बता दे, ये किसान उठ के घर चले जाएं, कल हर ओर बैल मंगाते हैं। अगर एक भी हड़के राज भी बता दे और राय बता दे किले में कितनी वो है, सरसम बता दे और ग्वार और बाजरा बता दे, किस बात की MSP? चौधरी छोटूराम 1923 से 1945 तक मेरे पंजाब के भाई खड़े हैं, पुराना पंजाब था, चौधरी छोटूराम मंडी एक्ट लेके आए थे और 1923 में 1926 में मंडी एक्ट बना के और 27 लाख किसानों के लिए उस आदमी ने पैसा रिजर्व किया था। आज ये सब कुछ बेचने के बाद किसान की जमीन बिकी है। इन्हें हमारी नस्ल और हमारी फसल के ऊपर इस बेईमान की नजर है। ना हम फसल देंगे ना नस्ल देंगे। हमारी नस्लों ने ये जिस गद्दी पे सो रहा है और ये ड्रेस में लोग खड़े हैं, ये हमारी नस्ल है। और जिस पेट भर के सो रहा है वो हमारी फसल है। इसके पेट का चैन और रात की नींद आराम कर देगा ये किसान।